ऐसे लोग जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ पाने में मुश्किलें आ रही हैं, दिल्ली कांग्रेस उनके लिए जन अधिकार आंदोलन चलाने वाली है। अभियान के तहत प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसके बाद दिल्ली की अलग अलग विधानसभाओं के केंद्र बनाए जाएंगे ताकि लोग वहां पे आएं और सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा सकें। माकन जी, इसकी ज़रूरत आपको महसूस क्यों हुई? देखिए, दिल्ली के अंदर हमारे कंस्ट्रक्शन लेबर का हज़ारों करोड़ रुपया पड़ा हुआ है और उनको मालूम ही नहीं है कि उसका इस्तेमाल कैसे होगा और वो ख़त्म हो जाता है। उसी तरीके से हमारे अलग अलग सेगमेंट्स हैं, जो गरीब लोग हैं उनको, उनके जो अधिकार हैं उनको मालूम ही नहीं कि कैसे इस्तेमाल होते हैं। और फिर गरीब लोगों को सबसे ज़्यादा मुश्किल आती है कि उनके अगर आधार कार्ड में कुछ चेंजेस कराने हैं तो उनको मालूम नहीं है कि कैसे चेंज होगा, राशन कार्ड भरना है तो उन्हें मालूम नहीं है कि कैसे है, तो ये सब चीज़ों को, पेंशन का फॉर्म भरना है, तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग जो है अपना खुद के हम केंद्र, सुविधा केंद्र कह लें या उसको जन अधिकार केंद्र कह लें, उसको हम लोग पूरे दिल्ली में हम लोग शुरू कर रहे हैं। सरकार खुद ही कन्फ्यूज़ है जब अधिकारों को लेकर, तो आम आदमी तो होगा ही। लेकिन देखिए, सरकार जो है वो सिर्फ ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार के ऊपर ही केंद्रित है, वो इस पे केंद्रित नहीं है कि पेंशन का अधिकार क्या है, वो इस पे केंद्रित नहीं है कि कैसे इन लोगों को इंश्योरेंस के बेनिफिट्स इनको कैसे दिए जाएं, वो इनसे इंटरेस्टेड नहीं है, ना आम आदमी पार्टी, ना उनकी सरकार, ना उनके विधायक, ना बीजेपी के लोग, कि कैसे लोगों की सेवा की जा सके, राशन कार्ड का फॉर्म कैसे भरा जाए, कैसे ट्रैक किया जाए उनकी, उनका सर्वे कैसा हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जहाँ पे सरकार अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है, हम जनता के अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, ये हमारा मकसद है। इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपके अंदर ने एज बार भी लगाया, आपने क्वालिफिकेशन भी तय की है, क्योंकि हमारा यह काम जो है भागदौड़ का होगा, लोगों के बीच में जाकर के उनसे फॉर्म भरवाना और फॉर्म भरवाने के बाद में गवर्नमेंट की स्कीम्स को उन तक पहुंचाना, तो इसके लिए एजुकेशन और यूथ यंग होना जरूरी है, इसलिए हमने ये कार्यक्रम यूथ कांग्रेस के साथ मिलकर के हम कर रहे हैं। एक आखिरी प्रश्न, मानसून आता है तो दिल्ली वाले उत्साहित रहते हैं, लेकिन थोड़ी सी जो उत्साह रहता है वो परेशानी में तब्दील हो जाता है, वाटर लॉगिंग बड़े स्तर पर हो रही है। देखिए, जिस वक्त दिल्ली सरकार को और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को डीसिल्टिंग करनी थी, उस वक्त ये एयर कंडीशन में बैठकर धरना कर रहे थे। जिस वक्त इनको मुआयना सड़क पे उतर करके करना चाहिए था, उस वक्त जो है अरविंद केजरीवाल बेंगलोर में 10 दिन के लिए छुट्टियां मनाने चले गए थे। तो जब सरकार जो है छुट्टी मना रही है 10 दिन लगातार उन दिनों में, और 7 दिन एयर कंडीशन में धरने पे बैठी हुई है लगातार उन दिनों में, जब डीसिल्टिंग का मुआयना होना चाहिए, तो कैसे हम उम्मीद करेंगे कि बारिशों के अंदर पोजीशन ठीक हो? हमारे समय में इतना खराब हालत कभी भी नहीं हुई। तो जाहिर तौर पर एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका यहाँ पर कांग्रेस निभाने की कोशिश कर रही है, जन अधिकार एक तरह से उसको आंदोलन का रूप दिया जाएगा ताकि जो लोग परेशान हैं सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में उन्हें परेशानी आ रही है, कांग्रेस उनकी मदद कर सके। कैमरामैन पवन के साथ तरुण कालरा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।